इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड और एयर टेम्परेचर क्या है। ये रहा नेपाल का विमान जिससे हम आज उड़ान भरने वाले हैं और जो कि हमारी वजह से आज लेट हुआ है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये क्यों लेट हुआ है। और आगे थोड़ी दूर पर ही भूटान एयरवेज़ का एक प्लेन और खड़ा हुआ था। इमिग्रेशन तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इमिग्रेशन पर लाइन इतनी लंबी होती है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और काठमांडू से जैसे आप उड़ान भरते हैं, आपको आपके राइट साइड में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देंगी जो बर्फ़ की हैं, पूरी हिमालय है। और ये स्क्रीन आपको बराबर बताती रहेगी कि अभी आपने उड़ान भरने के बाद कहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है। सभी को प्रणाम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और आज आपको मैं लेकर के आया हूँ काठमांडू बाबा भोले की नगरी में। और अभी मैं हूँ फ़िलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी लगती है, तो अगर आप की इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप समय से काफ़ी पहले आइए और आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा, बस थोड़ी सी दिक्कत ही आ गई थी कि शालिग्राम जी हमने जो है अपने हैंड बैग में रख लिया था, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए। और ये थोड़ा सा प्लेन भी लेट हो गया, फिर काफ़ी देर बात करने के बाद वो तैयार हो गए। और उन्होंने शालिग्राम जो है इनके जो विमान कर्मी होते हैं, एयर होस्टेसेस वगैरह, उनको दे दिया गया और वो हमें अब दिल्ली में वो वापस कर देंगे। चलते हैं अब विमान के अंदर, और आप देख सकते हैं 2x4x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। और ये प्लेन काफ़ी बड़ा है, दूर से ही काफ़ी बड़ा नज़र आता है। और इनकी बैक साइड में आपको ये स्क्रीन इस तरीके से मिल जाएगी जैसे अभी आप देख रहे हैं। इस विमान में लगभग सारे लोग बैठे हुए थे, हमारा ही वेट कर रहे थे ये लोग। और हमारे आने की भी बात, जब डिपार्चर टाइम कंप्लीट हो गया, ऑन बोर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि हम बोर्ड करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद ही ये रनवे पे आया। और सीट पे बैठते ही खातिरदारी स्टार्ट हो चुकी थी, बीच में वो कुछ ना कुछ दिए जा रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी उन्होंने वाइप्स दी हैं हम चारों लोगों को। और अब मुझे भी मिल चुकी हैं ये, तो बस फटाफट खोल करके पहले चेहरे को साफ करता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो चुकी थी वहाँ से आने के टाइम पे। और ये कुछ इस तरीके से इनके इंस्ट्रक्शन हैं जो इमरजेंसी में फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी देख लिया जाए। अधिकतर तो मैंने इंडिगो में देखा है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है। प्लेन अभी भी नहीं आगे की तरफ बढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक को भी थोड़ा सा हाथ लगा के देख लिया जाए। तो इस बुक में मेनली नेपाल की जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं घूमने के लिए हैं, जैसे या बड़े बड़े होटल्स हैं, तो कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, पोखरा वगैरह है, सबकी डिटेल्स दी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसी से ही थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। तो चलिए अब इसकी स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आपको। टच इसका बहुत ही स्मूथली चल रहा था, और अभी आप देख रहे हैं काठमांडू KTM लिखा हुआ है यहाँ पे खड़ा हुआ है। और प्लेन और ये येलो डॉट्स आप देख रहे होंगे सीधा न्यू दिल्ली के लिए दिखा रहा है, तो जिस जिस रूट पे ये चलेगा आपको पूरा वहाँ तक मैप में दिखाएगा। फिर स्क्रीन्स में कुछ इस तरीके से आपको इंग्लिश, नेपाली, चाइनीज कुछ लैंग्वेज चूज़ करने को मिल जाएंगी। और टच बहुत ही अच्छा इसका काम कर रहा था, लेकिन ये है कि अगर आप कोई चीज़ इसमें प्ले करते हैं तो आपको हेडफोन यूज़ करना पड़ेगा, बाकी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्ले कर दिया तो उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, आवाज़ आपको सिर्फ हेडफोन्स में ही आएगी। एक तरीके से नेपाल की जो भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये आपको प्लेन चलने से पहले सब कुछ बताएगा, त्रिभुवन एयरपोर्ट से कितना टाइम लगेगा दिल्ली के लिए और अभी आप कहाँ पे हैं, ये सब कुछ शो इस डिस्प्ले में होगा।
हमारे पास विंडो सीट नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको टेक ऑफ नहीं दिखा सकता हूं। और ये प्लेन हमारा आ चुका है रनवे पे और अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन में अंदर मूवमेंट हो रहा है। चुके हैं ऊपर आसमान में और अभी भी प्लेन ऊपर की तरफ ही और उड़ता चला जा रहा है। चिल्ली मार देगी ये तो। और ऊपर अपने निर्धारित एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद यहाँ पर जो विमान कर्मचारी हैं उन्होंने सभी को भोजन देना स्टार्ट कर दिया है। और ख़ास बात ये है जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये हिंदू मील सर्व करते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा हिमालय का, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़। और अब आ चुका है हमारे पास हमारा हिंदू मील और मैं अब आपको इसमें दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या इसमें देने वाले हैं। और मैंने पानी के साथ साथ मैं उनसे एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी और ये सब कुछ टिकट प्राइस में ही ऐड था, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना नहीं पड़ता है। ये आप देख सकते हैं एक बन है प्यारा सा छोटा सा और इसके साथ में बटर, लूर पाक का ये बटर है, बटर काफ़ी अच्छा था। और ये खीर थी हमारे पास और ये कुछ चम्मच कांटे और चाकू भी साथ में होता है इनके पैकेट्स में। तो अभी आप देख सकते हैं भोजन करने के बाद उसमें दाल चावल था और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन था इनका। और जैसा कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने इंडिया में प्रवेश कर लिया है और अब हम लैंड हो चुके हैं। और इस प्लेन के जो विमान कर्मी हैं, जो मेल हैं, उनकी ड्रेस देख करके आपको ये लगेगा कि शायद इनमें से ही कोई हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्म रेस्ट के लिए होता है, बहुत ही अच्छी सीट है इनकी और जो बैक साइड का एरिया है उसमें भी बिल्कुल थकावट सी महसूस नहीं होती है। और अब हम इनसे अपने शालिग्राम जी लेंगे जो हमने इन्हें काठमांडू में दिए थे और ये हमें दिल्ली में देने वाले हैं। ये रही इस विमान की बिजनेस क्लास की सीट और लगभग लगभग अब मैं पूरी तरीके से इस प्लेन के बाहर आ चुका हूँ। और इस प्लेन का जो इंजन होता वो दिखाता हूँ आपको, कितना भारी इंजन लगा हुआ है इसमें। और आप इस प्लेन को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा प्लेन है ये। और ये है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।